इंटीजर चल रहा है एंड 1.2 एक्सरसाइज तक हम ये चैप्टर कवर कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.3. लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके कुछ बेसिक बताऊंगी दैट विल बी हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.3. हेयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. सो सी हेयर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज वेन वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव इंटीजर विद अ पॉजिटिव इंटीजर वी ऑलवेज गेट द रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर. जब हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्टेंट भी पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है. सेकेंड इज वेन वी मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर विद अ नेगेटिव इंटीजर तो हमें रिजल्टेंट नेगेटिव इंटीजर मिलेगा. वेन वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव इंटीजर विद अ नेगेटिव इंटीजर देन हमें रिजल्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर मिलता है. आई एम टेकिंग देयर एग्जाम्पल टू इन फ्रंट ऑफ यू फ्रेंड्स. लाइक आई एम टेकिंग 5 and 2, दोनों पॉजिटिव ले रही हूं, उनको मल्टीप्लाई कर रही हूं तो रिजल्टेंट आपका प्लस का 10, इट मीन्स पॉजिटिव ही आएगा. वेन आई एम टेकिंग 1 positive and 1 negative, इट मीन्स 5 को मैं पॉजिटिव ले रही हूं एंड 2 को मैं एज अ नेगेटिव ले रही हूं. वेन यू विल मल्टीप्लाई देम 5 2 is 10, बट 1 positive and 1 negative हो तो आपका प्रोडक्ट ओके माइनस साइन ही आता है. वेन आई एम टेकिंग बोथ द नेगेटिव नंबर्स -5 multiply -2 तो आपको रिजल्टेंट 5 2 is 10 एंड -+ तो आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा. इट मीन्स ये आपके सब मल्टीप्लीकेशन रूल्स थे फ्रेंड. एंड अगर इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सटेंड करती हूँ, लाइक आई एम टेकिंग मोर देन टू नेगेटिव नंबर्स लेती हूँ तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इवन और ओड इंटीजर्स पर. अगर आपके पास ओड इंटीजर्स है तो आपका रिजल्टेंट नेगेटिव रहेगा. फॉर ओड नेगेटिव आपका रिजल्टेंट नेगेटिव रहेगा. फॉर इवन नेगेटिव्स आपका रिजल्टेंट पॉजिटिव रहेगा. लाइक आई एम टेकिंग -3 -2 -4, ये आपके 3 नंबर्स है, 3 नेगेटिव इंटीजर्स है. फ्रेंड देखिए, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है, इट मीन्स इन 2 नेगेटिव इंटीजर से हमारा पॉजिटिव आ जाएगा एंड ये हमारा नेगेटिव है. फिर अगेन मैं एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से नेगेटिव आता है तो हमारा रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा. इट मीन्स फॉर ओड हमारा रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, फॉर इवन हमारा रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड. और फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन. फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था और वो दोनों ही क्लोजर होते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ वी आर चेकिंग क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन. वेन वी मल्टीप्लाई अ इंटीजर विद एन इंटीजर We get the resultant always as a integer. So I'm taking some integer in front of you, 6 and 2, both are positive integer and they result in +12. ये भी आपका एक integer ही है. If I'm taking 1 negative and 1 positive, then आपका -12 आएगा, ये भी एक integer ही है. And if I'm taking both negative, तो ये भी आपका 6 multiplied to 12 एंड -+ ये भी आपका एक इंटीजर ही है. इट मीन्स फ्रेंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इंटीजर विद द इंटीजर वी गेट ऑलवेज अ इंटीजर. अवर सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है फ्रेंड्स व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स और अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं देन बोथ रिजल्टेंट ऑफ बोथ विल बी सेम. तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है फ्रेंड. लाइक आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 3 -4 और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ -4 multiply 3 तो हमारा रिजल्टेंट दोनों का -12 ही आएगा. दैट इज सेम इन बोथ द कंडीशन. इफ आई एम टेकिंग -7 multiply -2 और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ तो हमारा रिजल्टेंट जो वो प्लस पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इफ आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 0 और अगर मैं 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, उसका ऑर्डर चेंज करती हूँ तो रिजल्टेंट विल बी 0. दिस इज शोविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. फ्रेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. मल्टीप्लीकेटिव मीन्स मल्टीप्लाई करने पर, आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेम आए. मल्टीप्लाई करने पर जो सेम आए उसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. देन फ्रेंड
ऐसा क्या इंटीजर होगा जिसको किसी अनदर इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट वो इंटीजर सेम आ जाए, दैट इज वन. वन एक आपका ऐसा इंटीजर होता है जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, जिसको हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा सेम ही आता है. और अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी आपका रिजल्टेंट सेम ही आएगा. फॉर मोर एग्जाम्पल, आई एम मल्टीप्लाइंग 5 विद 1 तो आपका 5 आएगा, या मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूं तो भी आपका 5 आएगा. आई एम मल्टीप्लाइंग -3 विद 1 तो आपका रिजल्टेंट -3 ही आएगा, या मैं 1 को -3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो भी आपका रिजल्टेंट -3 ही आएगा. सो वी कैन से दैट 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन थिंग मोर हेयर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. वट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है फ्रेंड रेसिप्रोकल ऑफ सेम नंबर. यानी कि जो नंबर आप ले रहे हैं फ्रेंड, अगर आप उसी का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, अगर आप उसी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपका कैंसिल आउट होकर रिजल्टेंट 1 आ जाता है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है. तो इसको हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहेंगे फ्रेंड. नाउ आई एम टेकिंग -5, तो मुझे उसको -5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, उसी का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ताकि हमारा 1 आ जाए, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. Our fourth property is associative property. Associative property कहती है friends, when you are multiplying three numbers, firstly A and B को multiply कर रहे हो, फिर C को add कर multiply कर रहे हो. And if you are multiplying A multiply B multiply C, और आप पहले यहाँ पे B and C को multiply कर रहे हो, then उसमें A multiply कर रहे हो, तो both of the resultant will be same. दोनों का resultant जो वो same रहेगा. This is saying associative property friend. Like for example, if I am multiplying -3 with -2, then I am multiplying with 5. Otherwise, I am multiplying 3, but firstly I am multiplying 2 with 5. तो आपका resultant क्या रहेगा? पहले मैं -3 and -2 को multiply करूँगी. 3 2 जा 6, minus minus plus multiply 5. पहले इस side में मैं पहले -2 and 5 को multiply करूँगी. That will be -10. 6 5 is 30. 310 is 30 minus minus plus. It means left hand side is equal to right hand side. This is showing associative property. कि अगर आप उनकी pairing change कर देते हैं multiply में, अगर उनका pair change कर देते हैं, then भी resultant will be same. So we can say that multiplicative is associative for integers. So our fifth property is distributive property. Distributive property कहती है friend, when you are multiplying a integer with the sum of two integer, तो ये integer इन दोनों integers को distribute कर देगा. It means a multiply b plus a multiply c. Like I am taking example, -4 को मैं multiply कर रही हूँ 3 plus 6 से, then -4 will distribute this both integer. -4 will distribute to 3 and -4 will distribute to 6 also. -4 multiply 3 plus 6 is 9. -4 multiply 3 -12 plus minus minus 4 6 is 24. -36 4 9 is 36 and minus. दोनों minus के add up हो जाएंगे and signature will be negative. So friend, left hand side is equal to right hand side. It means distributive over addition is applicable. This is for addition. Now we are trying distribution for सब्ट्रैक्शन. सो चेक करते हैं फ्रेंड कि ये भी डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा या नहीं. सो सी हियर, आई एम टेकिंग एग्जांपल -4 मल्टीप्लाई 5 -3. अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ -4 मल्टीप्लाई 5, देन -4 मल्टीप्लाई 3. -4 मल्टीप्लाई 5 -3 इज 2. -4 मल्टीप्लाई 5 -20. माइनस माइनस प्लस 4 3 इज 12. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन -8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन -8 सब्ट्रैक्ट होगा एंड 20 विल बी ग्रेटर, तो नेगेटिव साइन आएगा. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो वी कैन से दैट
योर डिस्ट्रीब्यूशन इज बोथ फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ. सो लास्टली सी सम रूल फॉर मेकिंग मल्टीप्लीकेशन इजी. सो सी हियर फ्रेंड्स, लाइक आई एम मल्टीप्लाइंग 25 विद माइनस 8 विद 4. फ्रेंड, आपको जब ऐसे इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन दी गई हो, देन वी विल मल्टीप्लाई ऑलवेज नॉर्मली. हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 से देन 4 से. सो फ्रेंड, इफ यू आर कंसंट्रेटिंग इट, आप इनमें से वो पेयर पहले लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई बहुत ही इजी हो एंड ऐसे हो कि उसको फिर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो बहुत ही इजीली कैच कर ले. लाइक आई एम टेकिंग 25 विद 4. 25 को मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई करती हूं, देन आई एम मल्टीप्लाइंग विद माइनस 8. 25 4 is 100, देन माइनस मल्टीप्लाई 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और आंसर इज माइनस 800. तो ये बहुत ही इजी था फ्रेंड. नाउ सी वन मोर एग्जांपल. आई एम टेकिंग 62 मल्टीप्लाई 12. तो फ्रेंड, आपको आप इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 12 को 10 प्लस 2 में. और अब आप इस पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. 62 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप 62 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 62 10 is 620 और 62 2 is 124. इट मीन्स आप इनको यहीं सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं रहेगी. देन एड देम 744 योर आंसर. सी द नेक्स्ट वन. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. आई एम मल्टीप्लाइंग माइनस 25 विद 48. तो आप इसमें भी सेम तरीका लगा सकते हैं. आप 48 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट आप इसको 40 प्लस 8 डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय 50 माइनस 2 डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फ्रेंड. दैट विल बी मोर इजिली देन कंपेरिजन टू इट. दोनों करके दिखा देती हूँ आपको, जो इजिली लगे आप वहीं कर लेना. 25 को फिर पहले हम इसके साथ देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 25 मल्टीप्लाई 50 माइनस माइनस 25 मल्टीप्लाई 2. 25 5 is 125, देन 10 माइनस माइनस प्लस 25 2 is 50. देन यू विल सोल्व देम. माइनस 1200 इज योर आंसर. माइनस करोगे देन माइनस 1200 इज योर आंसर. आई एम डूइंग द सेम विथ 40 प्लस 8. सो माइनस 25 को हम वंस 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 25 को देन माइनस ट्वेंटी फाइव को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 25 4 is 100, 10 माइनस 1000 प्लस माइनस माइनस 25 8 is 200. सो यू विल सोल्व देम, योर आंसर विल बी 1200. इट मीन्स बहुत तरीके से आपका आंसर सेम है. आप ये फॉलो कीजिए या ये फॉलो कीजिए. दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर. By following these properties, we can easily solve our exercise 1.3.